नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात हो रही है मुंबई के हाई प्रोफाइल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर की। बाबा सिद्दीकी मर्डर का जब कल जिक्र हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां, मुंबई की पुलिस इस इनमें शामिल आरोपियों की सरगर्मी से पूछताछ कर रही थी, सारे लोगों का पता लगा रही थी। दो लोग पकड़े गए लेकिन एक फरार था। अब ये पता चला है कि इस मर्डर में, इस हाई प्रोफाइल मर्डर के दो आरोपी जो बहुत कम उम्र के हैं, वो बहराइच जिले के इस कैसरगंज इलाके के हैं। कैसरगंज यकाएक सुर्खियों में आया है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उन आरोपियों में से एक आरोपी धर्मराज का घर है। धर्मराज की उम्र महज 19 वर्ष बताई जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये उनकी बूढ़ी माँ है जो चारपाई पर बैठी हैं। घर अंदाजा देखकर लगा सकते हैं कि इनमें शामिल आरोपियों की क्या उनके हालात थे, क्या उनकी प्रोफाइल थी, लेकिन मंसूबा उनका कितना बड़ा था, ये इस मर्डर के बाद अब एकाएक सामने आया है। जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, ये दोनों आरोपी महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ का काम करने गए थे। बताया जाता है धर्मराज 2 महीने पहले से वहां काम करता था। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त शिवा को, जिसकी उम्र 20 साल है, वो इसी गांव गंडारा का रहने वाला है, गंडारा कैसरगंज, जो बहराइच लखीमपुर सॉरी बहराइच और लखनऊ हाईवे पर है ये कैसरगंज, जिसके सांसद ब्रजभूषण सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ये उन्हीं का संसदीय, अब उनके बेटे का संसदीय क्षेत्र करणभूषण सिंह का है। और ये गंडारा काफी चर्चित गांव है। हम गंडारा में आरोपी धर्मराज के गांव पर हैं। उनकी ये मेरे बाई और उनकी माँ है चारपाई पर। हम कोशिश करते हैं जानने की धर्मराज का क्या प्रोफाइल था, क्या था। जरा आप सरकिएगा उधर, आप बता सकें कैसा लड़का था, क्या करता था, आपका कब से बाहर था? लड़का अब 2 महीना भाई साहब गवाह, पहली बार गवाह। क्या करता था, आपका परिवार में कैसे खर्च चलता है? हमारा खर्चा चलावत है चलाऊ लड़का। हाँ, ये घूमत रहे तो कहीं चले जाए तो हम कहा भैया चले जाओ। कितने लड़के हाँ, हैं आपके? 5 हो गए। हाँ, पांच। ये कै नंबर का लड़का है? ये सबसे छोटा। और सब लोग क्या करते हैं? अरे भैया मजूरी मेहनत करत है, ईटा गारा मछली सारी यह सब करत है, कितना पढ़ाई किया है? कुछ नहीं पढ़े। ये कब से पूना में काम करता है? यह 2 महीना होगी करेगी। तो 2 महीने से। आपको पता है कि ये वहां क्या करता था? हम का नहीं पता, हम रिटे फोन उन कर नहीं, ना रिटे साहब मोबाइल है, हम काहे से उनसे बात करी ना बाप आपको की। कैसे पता चला कि ये जो घटना हुई ये है? घटना हुई सवेरे, पुलिस आई, पुलिस जांच करे लाग, तब पूछे लाग, तब हम बताएं कि हमारा लड़का है तो ना मही है, तब वो लिखिन पढ़िन बताइन, तब हम जान पावा साहब हम का जानी ना मोबाइल चलाए कोई ना जान पाए। अच्छा, एक बात आप ही बताइए, कुसुमा नाम है आपका, हाँ, ये बताइए कि आपके आदमी क्या करते हैं? मछली बेचत रहा तो अब नहीं देख पावत है अच्छा, उन्हों, पता नहीं तो मुझे नहीं। ये आपके गांव में और कितने लोग पूना में काम करते हैं? ये ठीक के तो नहीं है, दूर दूर के रहा, जैसे शिवा हो रहे राहत रहा तो वही जान रहा तो सबका। शिवा को आपका लड़का ही ले गया नहीं था, ना, हाँ उन्हीं लगे तो शिवा भी तो इस कांड में शामिल है। शिवा फोन की ही नहीं हुआ से, वही होली में गए रहे तो आपको वही किसने बताया, मुझे शिवा ने फोन पर बताया? नहीं उन्हें बताई नहीं, तब ना वो आए रहा के पापा तो बतावत रहा कि उनकी नहीं तो बन शिवा शिवा पकड़े गए हैं? गए। हम नहीं जाने थे साहब, पूछो हम का होएगा, मैं जनता से कुछ सब तो आएगा। ये धर्मराज की माँ है, उस 19 साल के लड़के धर्मराज की माँ है, जो अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। और उसकी माँ का कहना है वो कोई काम नहीं करता था, लेकिन जब वो 2 महीने पहले होली के पहले वो गया, होली के बाद वो गया, तो अपने एक साथी शिवा को भी लेकर गया जो इस गांव का था। और इस मर्डर में शिवा और धर्मराज दोनों आरोपी हैं। एक धर्मराज पकड़ा गया है, शिवा भी फरार है। हालांकि इस पूरे गंडारा गांव में काफी पुलिस तैनात है, जिले की एसओजी लगी हुई है, अन्य सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है, जिनका कल मर्डर हुआ, पूरे देश में एक सनसनी सी फैल गई। और इसमें जिस तरीके की बात आ रही है, इसमें पुलिस आरोपियों के सहारे और लोगों तक तो पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब धीरे धीरे ये पता चल सकेगा, ये लोग जान पाएंगे कि इसमें सिर्फ शिवा और धर्मराज ही हैं या इनके तार और कहीं जा करके खत्म होते हैं। बहराइच के गंडारा गांव से राम भरन, यूपी तक।